मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव लखनऊ दे ईडी दफ्तर पहुंचे ने जिथे उना तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले च पूछगिछ की जाएगी। 8 जुलाई नू ईडी वल्लों एल्विश यादव नू तलब किया गया सी पर यूके च होण कारण ओह ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सके ते उना ने विदेश च होण कारण समा मंगया सी ते हुण एल्विश यादव लखनऊ दे ईडी दफ्तर पेश होए ने जिथे उना तो ईडी वालों पूछगिछ की जाएगी। दरअसल ईडी वालों सप्पा की तस्करी मामले दे विच एल्विश यादव ते मामला दर्ज होया सी। इस मौके एल्विश यादव का कहना है कि मैं जो कहना सी कह चुकिया ते जो मेरे तो मंगया गया सी ओह भी सबमिट कर चुकिया। एल्विश यादव ते सप्पा की तस्करी मामले च ईडी ने मामला दर्ज किया होया अते जिस तो बाद एल्विश यादव नू 23 जुलाई नू बुलाया गया सी ते हुण एल्विश यादव ईडी सामने पेश होए ने जिथे उना तो पुछगिछ की जाएगी। अते इस मामले दे विच गायक राहुल यादव उर्फ फजल पुरिया तो भी ईडी पुछगिछ करेगी। एल्विश यादव ते नोएडा दे विच सप्पा दी तस्करी दी एफआईआर दे आधार ते ईडी ने एल्विश यादव ते मामला दर्ज किया सी ते हुण एल्विश यादव ईडी दी रडार ते आ गए ने। दस दिए कि एल्विश लखनऊ स्थित ईडी दफ्तर गए ने। जिक्र योग है कि सप्प के जहर के मामले च एल्विश का नाम उलझा हुआ। एल्विश के महंगिया रेव पार्टियां च सप्पा का जहर वेच के लखा रुपए कमाउण के इल्जाम लगे हुए ने। सप्पा के जहर के मामले च एल्विश का नाम इन्ना फस गया है कि उन्होंने 14 दिन तक पुलिस हिरासत दे विच भी रहना पिया सी। हालांकि इस मामले च एल्विश का नाम आने तो बाद यूट्यूबर इस कारण वार वार चर्चा के विच रहिंदे ने। एफआईआर दर्ज किए जाने तो 6 महीने बाद इस मामले के संबंध के विच एल्विश के 7 होरां खिलाफ जंगली जीव सुरक्षा एक्ट के तहत 1200 पन्नियां की चार्जशीट दायर की गई सी। हुण एल्विश यादव लखनऊ विखे ईडी दफ्तर पहुंचे ने जिथे उन्हां तो एक बार फिर पूछ पड़ताल की जाएगी ते ईडी के सवालों के जवाब एल्विश यादव वालों दिते जाएंगे। जो उन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे। कई तारीखों से आपको बुला रहे हैं, बार एक्सक्यूज दे रहा, कोई खास वजह थी? सर आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था। अच्छा, एक ही बार बुलाया ना मैं एक बार। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे दूसरे कोर्ट में, मामला जी कोर्ट वाले बताए। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊँ, पहली बार आऊँ ना, थोड़ा सा जगह दोगे तो मैं अंदर भी जाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? मैं रख चुका हूँ मैं बात, ठीक है, बाकी वो बताएंगे, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जो आरोप आप पे लगाए गए उन पर क्या कहेंगे? जी मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी सारी चीजें वो बताएंगे, ठीक है, मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करता।